इस बीच पीएम की बैठक से पहले गुलाम नबी आजाद ने एक बैठक की है। गुलाम अहमद मीर से गुलाम नबी आजाद की मुलाकात हुई है। गुलाम अहमद मीर यानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की है। बैठक से पहले सुबह 11 बजे दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, ये खबर आ रही है। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस मुलाकात के लिए। दोनों नेताओं को पीएम की बैठक का न्योता मिला है, गुलाम नबी आजाद साहब और दूसरा गुलाम अहमद मीर जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बैठक का एजेंडा क्या है सुप्रिया, ये बताइए, और क्या कांग्रेस पार्टी एक मत होकर, क्योंकि हमने देखा कि खासतौर पर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान दिए गए, क्या इस मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मिलकर एक मत हो जाना चाहते हैं हर मुद्दे पर? समीर, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इस पूरे मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने परसों शाम को एक बैठक की थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम जो कि पूर्व होम मिनिस्टर हैं, वो सब मौजूद थे। और वहां पर ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है पॉलिटिकल डायलॉग के फेवर में रही है, जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है तो उन्होंने कहा कि जो ये डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है उसमें वो लोग हिस्सा लेंगे। और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो मीटिंग है ये एजेंडा लेस है, इसलिए दो सबसे सीनियर मोस्ट नेता जो जा रहे हैं वहां पे, गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर, और इसके अलावा ताराचंद जो कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तीनों वहां पर जाएंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर मुद्दा वहां पे कश्मीर से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर रखेंगे तो उस पर वो बोलने में सक्षम है। लेकिन उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने पूरा अपना तय कर रखा है कि क्या रहेगा। उन्होंने कहा है कि जो उनका पहले स्टैंड था CWC की बैठक जब हुई थी 2019 में, कि जो ये पूरा का पूरा सिचुएशन हुआ है उस पर उनका जो उस समय की CWC का स्टैंड था उसी को वो लोग फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ कहा ये भी जा रहा है कि पीएम की मीटिंग पे जाने से पहले गुलाम अहमद मीर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद से आज दिन में मिल सकते हैं। जी, फुल स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया था, उठाया जाएगा इस मीटिंग में, जिसका जिक्र पी चिदम्बरम ने किया था? देखिए, जहाँ तक ऑफिशियल्स जब हमारी बात हुई थी, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हों, चाहे गुलाम अहमद मीर हों या अन्य जो नेता हैं, उस मीटिंग के अंदर जो सोनिया गांधी ने हेड करी थी, उसमें तो यही कहा गया है कि जो एजेंडा लेस मीटिंग है, क्योंकि एजेंडा कोई आया नहीं है, तो जैसा वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बातचीत करेंगे, जो भी इशू वहाँ पे सामने आएंगे उसके ऊपर गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, LOP रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वो स्टैंड रखेंगे। जहाँ तक चिदम्बरम का सवाल है, उन्होंने पहले ही ट्वीट करके कह रखा है कि वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के मुद्दे के ऊपर जो पहले से ही स्टैंड है उसके ऊपर कायम रहेंगे। ठीक है, चलिए सुप्रिया, आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।